तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉपर्टीज इन पुणे के नए एपिसोड में। अभी जो आपने रिकैप देखा, ये वीडियो हमने 2 दिन पहले ही पोस्ट किया है। तो इस वीडियो के बारे में बताऊं या फिर प्रोजेक्ट के बारे में बताऊं, तो ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है तामिनी घाट के फुटहिल्स पे। तो उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर डाल दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने कंप्लीट प्रोजेक्ट पूरा कवर किया हुआ है, तो इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो भी जाके देखिए, ताकि इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको विस्तार से पता चले। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK बंगलोज दिखाऊंगा, जिसमें आपका प्लॉट का साइज, बंगलो का साइज, उसका प्राइसिंग और उसका इंटीरियर पोर्शन सब देखेंगे। चलिए तो दोस्तों, ये है आपका ड्यूप्लेक्स 3 BHK विला, जिसका प्लॉट का साइज है 2700 स्क्वायर फीट और जो विला है 961 स्क्वायर फीट का विला है। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं एक बार। ये है आपका 1 BHK ट्विन विला। आप देख सकते हो इस पे 2 एंट्रेंस है, एक एंट्रेंस उस साइड से, एक एंट्रेंस इस साइड से। तो आपको यहाँ पे सी पोर्शन जो है, मतलब ये फ्रंट पोर्शन और इसी के साथ साथ ये जो सी पोर्शन है, ये आपको मिल रहा है यहाँ पे, तीनों साइड से ओपन मिलता है। तो चलिए मेरे साथ आगे चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं 1 BHK ट्विन विला किस तरह से डिजाइन किया गया है। इस ट्विन विला की जो खासियत है, जमीन के साथ आपको 1 BHK मिल रहा है यहाँ पे। इसका साइज बताया जाए तो 600 स्क्वायर फीट का आपको लैंड पार्सल मिलता है और जो कंस्ट्रक्शन है 330 स्क्वायर फीट का ये कंस्ट्रक्शन है। तो ये जो स्वीट सिंपल मास्टरपीस है, ये आपको सिर्फ 40 लाख में मिल रहा है, वो भी 2600 स्क्वायर फीट लैंड पार्सल, मतलब लैंड जो एरिया है वो 2600 स्क्वायर फीट है और जो विला का कार्पेट एरिया है वो 600 स्क्वायर फीट है।
इस विला को एक्चुअल देखने के बाद आपको 100% पसंद आएगा, क्योंकि जो कोकन का रेड स्टोन, जिसको हम लेटर रेड स्टोन भी बोलते हैं या फिर जांबा स्टोन बोलते हैं, उस स्टोन में इनका कंस्ट्रक्शन है। क्या आप इस शिप पे जाना चाहते हो? एक्चुअली ये प्रोजेक्ट का एमिनिटीज का पार्ट है। लास्ट वीडियो में हमने इसका ड्रोन व्यू आपको दिखाया था, अंदर से शूट नहीं किया था। तो जब सब कुछ दिखाई दिया है दोस्तों, तो इसको भी क्यों छोड़े, चलिए अंदर से देखते हैं किस तरह से इन्होंने इस शिप को या फिर इंटीरियर पार्ट को डिजाइन किया है। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं कि यहां पे ये जो विलाज है सिर्फ 8 से 10 ही विलाज मतलब रेडी में अवेलेबल है, बाकी तो फिर कंस्ट्रक्शन करके ये लोग दे ही सकते हैं, लेकिन उसके लिए 8 महीना या फिर 1 साल ले सकते हैं। तो अगर आपको रेडी में चाहिए तो तुरंत नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कॉल करिए, अपना साइट विजिट बुक करिए। तो अगर आपने इस प्रोजेक्ट का पूरा वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अभी जाके पूरा वीडियो तुरंत देखें। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरा नाम है आकाश, प्रॉपर्टीज इन पुणे के चैनल से, धन्यवाद।